मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन 29 गले की फांस बना हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा एनडीए के लिए गढ़ा हुआ है, उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 370 अपनी दम पर या उसके पार। इधर मध्य प्रदेश में जो सभी 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को दिया हुआ है, अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें कर रही है। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो बहुत अनुकूल नहीं है, कई ऐसी सीटें हैं, हालांकि उन सीटों का नंबर फिलहाल एक डिजिट में है, आधा दर्जन के आसपास ऐसी सीटें मध्य प्रदेश में निकल कर आ रही हैं जो बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई की धड़कने बढ़ाए हुए हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की कुछ दो सीटें हैं जहां कठिनाइयां पेश आ रही हैं। यदि आप महाकौशल में जाइए तो महाकौशल में दो सीटें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान किए हुए है, पेशानी पर उसकी जो बल आया हुआ है राज्य इकाई के साथ साथ। विंध्य में कुछ तकलीफ है एक सीट पर, कहीं जो भोपाल मध्य जो कहलाता है, मध्य भारत कहलाता है, वहां से सूचना थोड़ी सी आ रही है कि जो जीत प्रदेश इकाई चाहती है वैसा हालात नहीं बन पा रहे हैं। उधर मालवा निमाड़ में भी दो तीन सीटें ऐसी हैं जिसने जो राज्य इकाई है मध्य प्रदेश की उसकी मुश्किलें खड़ी की हुई हैं और तमाम जतन पार्टी को करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और प्रत्याशी अपने जो क्षेत्रों में जमावट में लगे हुए हैं। पहले दौर की जो 6 सीटें हैं जिनके लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला चल पड़ा है, पहले दौर में यह चुनाव होने वाला है और मुख्यमंत्री मोहन यादव लगभग लगभग हर सीट पर जाने का उनका प्रयास है और अब तक जो दिग्गज नेता हैं उनके यहाँ फॉर्म भराने मोहन यादव निरंतर पहुंच रहे हैं, सिलसिला चल रहा है। अभी कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान होना है। पहले दौर की जो 6 सीटें उसमें 3 सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने नहीं की है और प्रत्याशी घोषणा के मान से तो बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कमजोर प्रत्याशी माने जा रहे हैं, उनके लिए एड़ी चोटी का जोर प्रदेश इकाई को लगाना पड़ रहा है, पूरा ताकत वो झोंके। और चुनाव में ताकत झोंकना जरूरी भी है, ताकत झोंके बिना काम चलता नहीं है। बीजेपी की जो अपनी ताकत है वो जबरदस्त है, उसके पन्ना प्रमुख और बूथों तक सब जमावट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस बार ये भी लक्ष्य दिया है कि हर बूथ पर जो 2019 का चुनाव था उसकी तुलना में 370 वोट बढ़ाना है। अब जहां पूरे पूरे वोट बढ़े हैं वहां तो नहीं 370 बढ़ेंगे, लेकिन 370 वोट बढ़ाने का एक लक्ष्य भी सामने है कि जो ऐसे बूथ रहे हैं जहां पर आपको सफलता नहीं मिल पाती है तो वहां के लिए करना है। और शायद यही सब वजह है कि प्रदेश इकाई नित नए जतन कर रही है और इन जतनों में होली के मद्देनजर पार्टी ने मध्य प्रदेश की 64,523 जो बूथ हैं, मतदान केंद्र हैं, वहां मोदी गुलाल उड़ाने का एक ऐलान किया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के जितने भी बूथ लेवल तक के वर्कर हैं उनको काम दे दिया गया है कि जाइए और सब तरफ हर तरफ मोदी गुलाल को उड़ाना है, घर घर मोदी गुलाल के पैकेट्स पहुंचाना है। साथ साथ महिला कार्यकर्ताओं को भी बड़ा एक टफ टास्क दिया है, पुरुष कार्यकर्ता भी हैं कि कहीं कोई गमी हुई है किसी के घर में तो वहाँ जरूर जाइए, वहाँ बैठिए, दस्तक दीजिए दरवाजे दरवाजे और उनके दुख को साझा कीजिए, शेयर कीजिए, सांत्वना दीजिए। तो बीजेपी मध्य प्रदेश में पूरे जतन से लगी हुई है, ताकत से लगी है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि कई ऐसे क्षेत्र हैं भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीती थी और 28 सीटों में दर्जन भर सीटें ऐसी रही थी जहां जीत का मार्जिन 3 लाख से लेकर 5 लाख प्लस तक रहा था और वो जीत, प्रचंड जीत, जबरदस्त जीत, उसको भी बनाए रखने का लक्ष्य दिया हुआ है पार्टी ने। पार्टी पूरा जो खासकर अमित शाह है उनकी निगाह मध्य प्रदेश पे जुटी जमी हुई है, वो देख रहे हैं, वो बार बार समीक्षाएं कर रहे हैं और प्रत्येक चाहे वो मोहन यादव सरकार के मंत्रीगण हों या जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, और वो पन्ना और बूथ लेवल तक की रिपोर्ट हर दिन जा रही है कि क्या आज का आपका वो रहा है, जो रिपोर्ट कार्ड क्या है आज का, हर दिन का रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है कि आज की उपलब्धियां बताइए, जो टास्क दिया था वो कहाँ पहुंचे, कहाँ नहीं पहुंचे, नहीं पहुंच पाए तो क्यों नहीं पहुंच पाए, तमाम चल रहा है। और इस सबके बीच बीजेपी की राज्य इकाई तमाम जतन में लगी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो पहले दौर के 10 प्रत्याशी आए 29 सीटों में, कांग्रेस ने अब तक
10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और आप जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त ये सूचना थी कि शाम तक दूसरी सूची भी मध्य प्रदेश से जुड़ी कांग्रेस की आ जाएगी, क्योंकि जो 3 उम्मीदवार पहले दौर में जो वोटिंग होनी है, नामांकन पत्र दाखिल करने का जो वक्त है अब निकट आ रहा है, उसकी अंतिम तारीख पास आने वाली है, तो उसके मद्देनजर उन 3 सीटों के लिए तो ऐलान करना ही करना, और बाकी भी सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान होना है। लगातार 2-3 दिन से यही चल रहा है कि सूची आज शाम तक आ सकती है और उस दिन नहीं आ पा रही, अगले दिन के लिए चल रही है। आज भी यही सूचनाएं हैं, शनिवार का दिन है और सूचना यह है कि शाम तक हर सूरत में कांग्रेस की एक सूची आ जाएगी। संभवतः ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे आपके हाथों में होगा, आप इस पर निगाह दौड़ा रहे होंगे, इसको सुन रहे होंगे, तब तक शायद ये सूची आ जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में ज्यादा कष्ट में बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं। 29 सीटों में 10 पे उम्मीदवार घोषित किए हैं, 1 सीट उसने समाजवादी पार्टी को खजुराहो की दी हुई है, बची हुई 18 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित करना है। और कांग्रेस भी किला तो लड़ा ही रही है, उसे लड़ाना भी चाहिए, क्योंकि जो पिछला चुनाव था 28-1 पर उसका 19 का नतीजा रहा था, तो अब इससे ज्यादा एक ही सीट आप और खो सकते हो, और एक सीट इस मान से भी अब 28-0 रहने वाला है, क्योंकि एक सीट आपने समाजवादी पार्टी को दे दी है कांग्रेस ने। इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए की जब बात आएगी तो 29-0 आएगा, लेकिन अगर ये देखा जाए कि मध्य प्रदेश में 2023 में यदि सभी सीटें भी कांग्रेस अगर गंवा देती है तो भी 28-0 पे ही नतीजे रहेगा, तो खोने के लिए कांग्रेस के पास बहुत है ही नहीं, कुछ नहीं। जो अंतिम नतीजा था अगर आप उस पर पहुंचते हो, 28-0 हार जाते हो, तो 28-0 ही कहलाएगा, 29-0 नहीं कहलाने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर कई स्तर पर अपनी जो पिछला सिलसिला रहा है, चाहे वो जबरदस्त जीत का सिलसिला रहा हो, उसे बरकरार रखना है। साथ साथ 29-0 का जो दबाव है वो यहाँ मध्य प्रदेश के नेताओं के माथे पर नजर आता है, और वो अभी तो तोड़ फोड़ का सिलसिला चल रहा है, कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है हर स्तर पर, जहां जहां पूरी की पूरी इकाइयों को खत्म किया जा सकता है। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सांसद का चुनाव लड़ चुके नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, तमाम तोड़ा जा रहा है। कमलनाथ के गण में लगातार सेंधमारी की जा रही है, और भी ऐसा जहां जैसा अवसर मिल रहा है। और अभी जो दावा किया गया है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, खासकर जो ये पूरा दल बदल में अहम भूमिका निभा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने तो दावा ये ठोका है कि अभी 1 लाख के लगभग कांग्रेसी बीजेपी में आना है, और उसमें बड़ी संख्या में आ चुके हैं, 20-22 हज़ार, 25 हज़ार आ चुके हैं, ऐसा उनका दावा रहा है। 75 हज़ार अभी और आएंगे, तो सोचिए आपकी क्या कुछ दृश्य मंजर मध्य प्रदेश में रहने वाला है, होने वाला है। वो अपनी जगह है, लेकिन हाँ बीजेपी की थोड़ी सी कठिनाइयाँ, थोड़ी मुश्किलें बड़ी हुई दिख रही हैं, नज़र आ रही हैं, क्योंकि 29-0 का जो दबाव है उसके लिए क्या कुछ किया जाए, कैसे किया जाए और सबकी सब सीटें जीती जाए, इस उधड़बुन में राज्य का ही लगी हुई है, और उसी के तहत सारा कुछ जमावट और बनावट हो रही है कि मोदी गुलाल उड़ाना पड़ रहा है, घर घर लोगों के बैठने जाने का एक पूरे का पूरा कार्यक्रम तय हुआ। और अभी तो ये शुरुआत है, चुनाव अभी लंबा चलना है। यहाँ मध्य प्रदेश में भी 4 चरण हैं, 4 चरण में चुनाव होना है, तो उन चरणों का सिलसिला अभी शुरुआत हो चुकी है, आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये भी नए नए कार्यक्रम आपको लाने होंगे, पुराने कार्यक्रम चलने वाले नहीं हैं। तो देखिए जो निकल कर आएगा वो हम 4 PM के दर्शकों तक, हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिकतर लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल, और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनल को।